रोक लिया भाई, स्टॉप द कार। हाँ बहुत सड़क ही गायब हो गई गाइस। कभी कभी जिंदगी में हमें वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं। ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि हम वो डिजर्व नहीं करते। सो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और नई ट्रिप की शुरुआत, और ये घड़ी है अपनी धन्नो। तो गाइस फाइनली हम अपने घर से निकल गए हैं और बंदों का वेट कर रहे हैं। तो गाइस हमारे साथ जो जा रहे हैं वो जा रहे हैं प्रांजल है, प्रदीप है, और प्रांजल का कोई एक भाई वगैरह है वो जा रहा है। हम चार लोग जा रहे हैं और अभी पता नहीं है, आशीष का भी कंफर्म नहीं है। आशीष फोन ही नहीं उठा रहा, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है, तो वो फोन उठा लेगा तो फिर चल। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मेरा नाम अनुराग सिंह है, आप सभी मेरे को जानते हो, अगर नहीं जानते तो प्रेस द सब्सक्राइब बटन, आप सभी मेरे को जान जाओ। तो गाइस आज हम चल रहे हैं नैनीताल, और हमारे साथ कौन कौन है? प्रदीप, प्रांजल डॉन, और पीछे नाम क्या है? भाग्य। हेलो। और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, हम पहुँच चुके हैं ठाकुरद्वारा, और गाड़ी में फ्यूल फुल करवा लिया है, और अब चलो चलते हैं आगे। तो गाइस ले पकड़े, चल रही है। हम पहुँच चुके हैं उत्तराखंड बॉर्डर, सामने बॉर्डर है, देखते हैं हमारी गाड़ी रोकते हैं नहीं रोकते। रोक लिया भाई, स्टॉप द कार इलेक्शन। तो गाइस हमें यहाँ रोका है, और यहाँ बस गाड़ी की डिग्गी चेक हुई है, ना कागज चेक करे नहीं कुछ। अरे ओ कैमरा मैन खराब है। तो गाइस फाइनली यहाँ पे रोक के काम खत्म हो गया है, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब आगे कोई स्टॉप नहीं मिलेगा हमें। और यहाँ पे बस गाड़ी गाड़ी की डिग्गी चेक करी है, वो इलेक्शन की वजह से चेक हुई है। और प्रांजल वो जा रही है, और अब हम आपको आगे का व्यू दिखाते हैं। तो गाइस ये है रामनगर का बॉर्डर, और देखते हैं यहाँ पे हमें रोकेगा नहीं रोकेंगे, कोई लोग रोकेंगे 100% जाम लगा हुआ है। फॉर्चूनर के पीछे खड़े हैं हम, फॉर्चूनर राजस्थान फॉर्चूनर। यहाँ पे चल रही है गाड़ियों की चेकिंग जबरदस्त वाली, ये देख सकते हो कितना तकड़ा ट्रैफिक है, हर कोई डिग्गी चेक कर रहा है, और हमारी भी गाड़ी की डिग्गी चेक होगी। सरदार जी उतर के देखने गए हैं, निकाला लगी। फाइनली हमें यहाँ नहीं रोका, ज्यादा ट्रैफिक की वजह से गाड़ी चेक नहीं करी, और यहाँ पे ज्यादा आर्मी वगैरह है, पुलिस बहुत ज्यादा है, पुलिस भी है साथ में आर्मी भी है, अगर कोई मैटर हो जाए सीआरपीएफ भी है तो बिल्कुल लाल बंदर कर देंगे, रेड रोज बना देंगे, रेड रोज। प्रांजल मच करिए, और बहुत है जो तो हर जगह मेरी करवा, वो वैलेंटाइन डे पर रोज की रोज ना पड़ेगी। यहाँ पे हमें रामनगर से निकलने के बाद एक स्टॉप लिया है, और अब गाड़ी यहाँ चेक करानी है, डिग्गी वगैरह जो भी सीन है, और अब आगे यहाँ से निकलेंगे। खैर भैया मास्क पहन लेकर, ये देखो भाई हैं, हाँ तो अब यहाँ से हम निकलते हैं जस्ट 2 मिनट में वो आगे। तो गाड़ी स्टार्ट खड़ी हुई है, हैं पीछे 2 बार तो हो गई। गाइस फाइनली हम यहाँ से निकल चुके हैं अपनी गाड़ी पूरी चेक करवा के, और मानसून बहुत तगड़ा बना हुआ है, गांव में बारिश हो रही थी, और यहाँ पे धूप निकल रही है भाई, एक नंबर मौसम, कुछ तेज हवा, गाड़ी चल रही है हवा का, अरे हवा ना चल रही इतनी तेज। स्टॉप कर ली गई है, और ये यहाँ से काला डोंगी जस्ट बहुत पास में है, और यहाँ पे भी बॉर्डर पे देखिए, देखते हैं क्या होता है। डिग्गी चेक कराएंगे अंकल, क्या सभी कुछ चेक करा जा रहे हैं आप? नैनीताल जा रहे हैं, 5 बार चेक हो गई है, हाँ वो उसकी वजह से हो रहा है ना, ये देखो आप क्या करते हैं आप लोग। हम यूट्यूब में ज़्यादा टाइम लग गया यहाँ से आने में,
हाँ वो सब जगह रोकी जाएगी। हाँ चलो ठीक है, थैंक यू अंकल। यहाँ का टेम्परेचर बाहर का 15 डिग्री टेम्परेचर है, काफी गर्मी है। 15 डिग्री टेम्परेचर पे काफी गर्मी है, समझ रहे हो ना, काफी गर्मी है। और ये आगे काला ढूंगी बॉर्डर, यहाँ देखते हैं रोकेगा ना रोकेगा। पहले तो रोकी थी गाड़ी, बस जस्ट अब पता चलेगा। यहाँ भी चेकिंग है गाइस, यहाँ भी चेकिंग है, बट ये नहीं पता रोकेंगे नहीं रोकेंगे। नहीं रोकेंगे गाइस, नहीं रोकेंगे। यहाँ से निकल चुके हैं, हम यहाँ से निकल चुके हैं, आगे देखते हैं अब कहाँ रोकेंगे। अब कोई एक बॉर्डर और पड़ेगा, वो फिर नैनीताल का बॉर्डर पड़ेगा, बस काम खत्म। और हम पहुंच चुके हैं होंगे उस टाइम पे नैनीताल। अरे आंटी उड़ जाएंगी ब्रेक। आंटी यहाँ पर रोड क्रॉस करती हुई पेट के साथ, आंटी पापा की परी। आंटी पापा की परी यहाँ पर, पापा की परी उड़ती हुई। और वेदर बहुत बेहतरीन है बाहर, ऊपर थोड़ा ऊपर का भी ले ले, ऊपर ऊपर अरे प्लान रोड है वो बना ले क्या इसकी गाड़ी की बैठ के मेरी बारी। हाँ वही आगे बैठी है, बैठ जा तू बैठ ना, मुझे बहुत बजने खा ले वो पिचक जाए टॉयलेट करने। और यहाँ मौज चलती हुई, और यहाँ रील बनाने के लिए गाड़ी स्टॉप करी गई है, ट्रैवल कोई है नहीं। और ये भी अपनी रील बना रहे हैं दबा के, हैं वो मैं ढोल दूंगा। चलो भाई गाड़ी चलाओ, मैं बनवाऊंगा रील। ले प्रदीप आंदे चल सीधी कर ले, सीधी कर, आंदे चल 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 ले चल ले, तेज चली यार, लगेगी ना नीचे। तू ना जानता, चल 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 पीछे चल, और चल और चल और चल और चल बस। तो गाइस देख सकते हो आप रील के ताई कहां कहां गाड़ी लगानी पड़ रही है रील बनाने के लिए। तो दोबारा टूट भी सका ना भी, सो करो ना, चलो सीधे की जगह उल्टा मुड़ा। तो गाइस देखना कितनी तगड़ी लैंडस्लाइड हो रखी है यहाँ पे। ओ गाइस सारी लैंडस्लाइड हुई है बहन, तो पूरे पहाड़ के पहाड़ नीचे आ गए हैं। गाड़ी मत सानो भाई साहब, सारे कपड़े सन गए, गाड़ी के कपड़े। तो सड़क ही गायब हो गई गाइस पूरी। काफी मजे आ रहे हैं यहाँ पे चढ़ाई पे, आज प्रांजल भाई ड्राइविंग कर रहे हैं और काफी डर सा लग रहा है। ये बहुत ऐसे ड्राइवर हैं और ज्यादा हैवी ड्राइवर हैं ये, इनकी कोई लिमिट ही नहीं है, गाड़ी को चलाते नहीं है, ये गाड़ी को उड़ा देते हैं। सड़क का कोई अंदाज ही नहीं, हर जगह सड़क टूटी हुई है। हम तो बैठे हैं अंदाज गाइस। हम यहाँ रुके हैं सरिया ताल पर रुके हुए हैं, और ये पहाड़ आपने पीछे के ब्लॉग में देखा ही है, अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ चेक आउट। और दिखाता हूँ मैं आपको सरिया ताल,
ये हमारे दो बंदे ने ठंड लगते हुए, और यहाँ नीचे ये गेंद है, इसमें भागते रहो, बट हम भाग नहीं सकते अब। ये देखो गाइस व्यू खतरनाक, और वेदर भी बहुत अच्छा हो रहा है। ये कटिंग अल्टीमेट है, ये कहता है मैं आप गिरा, अगर इसमें से कुछ भी गिर गया ना तो कुछ ना बचने का यहाँ नीचे का। तो गाइस हमने यहाँ पे एक अपनी मैगी ऑर्डर करी है, और हम आपको खा के बताते हैं यहाँ की मैगी कैसी लगती है। बट यहाँ की मैगी जो है पहले भी खाई है, बहुत अल्टीमेट मैगी लगती है। और ये हमारे प्रांजल भाई को ठंड लग रही थी, तहस में आए थे, और ये देखो अब जैकेट वगैरह पहन के आ चुके हैं ये दोबारा इनके, ये देखो अभी ऐसे ही आए थे बिगड़ जैकेट के। जब ठंड लगी ना, वो गाइस यहाँ का टेम्परेचर जो है वो 10 डिग्री है इस टाइम, बट रात में यहाँ -2 जाएगा आज। उम्मीद है हमें कि हम स्नो मिल जाए ऊपर, बट वो देखते हैं, किस्मत के ऊपर है, इन लोगों की किस्मत देखते हैं कैसी किस्मत है, कि ना स्नो मिलेगी या नहीं मिलेगी। मेरे हिसाब से मिल जाए तो अच्छा है, वेदर जो बता रहा है वो स्नो बता रहा है, 30% स्नो पड़ सकती है बारिश के साथ स्नोफॉल। बट यहाँ पे तो इतनी काफ़ी धूप है, बस ऊपर की तरफ ना है ब्लैक बादल हुए हुए हैं, आप देख सकते हो। उन बादलों को देख के तो लग रहा है कि यार स्नो हो सकती है। तो भैया ये है सरिया ताल का वाटरफॉल, देख सकते हो, और यहाँ से पानी आ रहा है इसमें सारे सरोवर में, सरोवर मतलब हाँ तालाब सरोवर, इसमें पानी आ रहा है सारा यहाँ से। ये ऊपर से जो सारा नैनीताल का पानी है वो सब यहाँ के इसमें रुक रहा है, जो एक टाइम होता है जब सूखा पड़ता है गर्मियों में, ये सूख जाता है पूरा। तो गाइस फाइनली ऊपर स्नो हो रही है, क्योंकि वहाँ धुएं से पता चल रहा है, धुआं हो रहा है जो स्नो में होता है ना, जो बादल होते हैं फॉग, ऐसा फॉग तो उन्हें नहीं बोलते, फॉग तो अलग होता है, जो स्नो के साथ धुआं जो निकलता है हमें धुंध जो हो जाती है, तो दिखने लगा ऊपर हमको, अगर हमें दिखता है मोड़ से तो हम आपको भी दिखाएंगे। और यहाँ काफ़ी ज़्यादा टर्न है, बहुत हाई फाई टर्न है, आप देख सकते हैं मिट्टीले पहाड़ है, ये मिट्टी के ना ब्राउन कलर के मतलब मिट्टीले पहाड़, यहाँ से नीचे ना ये एक वो है इसमें सब चीज जैसे एडवेंचर वगैरह के लिए। ओ माय गॉड एडवेंचर, बहुत अपनी गाड़ी से ही करते हैं। बट गाइस देखना कितनी तगड़ी ज्यादा लैंडस्लाइड है, कुछ है ही नहीं बचा, सड़क ही नहीं बची, एक हल्का ऊपर स्नो पड़ गई, अल्टीमेट व्यू ऊपर स्नो पड़ गई, ले भैया। फाइनली हम नैनीताल में एंट्री कर रहे हैं, और नैनीताल के बॉर्डर पर देखो कितनी लंबी लाइन लगी हुई है गाड़ी चेकिंग करने के लिए। तो यहाँ अपनी गाड़ी चेक करवाते हैं, फिर दोबारा से अपना कैमरा वगैरह सब चीज़ दिखानी पड़ेगी हमें, इन्हें खोल कर दिखानी पड़ेगी, वैसे कुछ नहीं अंदर, कुछ नहीं अंदर चाहे कुछ भी हो। और बाहर भाई कुछ शीतलहर हवा है, और यहाँ का जो टेम्परेचर है वो 5 डिग्री टेम्परेचर है, अब देख सकते हो। तो आप क्या कहना चाहेंगे प्रदीप? ऊपर भाई साहब स्नो पड़ रही है, दर्राटे काट रही है, ओपो हम यहाँ आधे घंटे से लाइन में खड़े हुए हैं भैया, पुलिस वालों से परेशान हो चुके हैं, 5-6 बार अपनी गाड़ी हम चेक करवा चुके हैं बाबा, हम बहुत दौड़ी है, माफिया दौड़ी है बहन जो ड्रग्स लेके चल रहे हैं, हम तो एक यूट्यूबर हैं, छोटे से ब्लॉगर भी चल रही है, और यहाँ लाइन टू लाइन गाड़ियाँ चेक हो रही है, और रोक ली हमने बिल्कुल, बताओ गाड़ियों के नंबर चेक हो रहे हैं, और डिग्गियाँ चेक हो रही हैं, देखते हैं प्राइवेट नंबर भी चेक कर रहे हैं भाई, सारी नंबर चेक हो रहे हैं, जो टैक्सी गाड़ियाँ नैनीताल की वो भी देख रहे हैं, अब हमारी गाड़ी का नंबर है, देखो क्या होता है क्या नहीं। अनुराग सेंगर चाबी मेरे पास ही है, कहाँ रखा हुआ कैमरा।
नहीं तो गाइस फाइनली हम नैनीताल पहुंच चुके हैं और हम इस ब्लॉग को यहीं एंड कर रहे हैं। यहां तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जब तक के लिए टाटा बाय। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। अच्छे बाय 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 और ढक्कन बंद।